हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज वेलकम बैक। नाउ वी डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर? इसमें सबसे पहले जो है हम लोग को ट्रू वैल्यू जाननी पड़ेगी। ट्रू वैल्यू कल क्लास में बताया था कि रैंडम एरर जो कि बाय चांस एरर होते हैं, उसमें कि मेजर्ड वैल्यू के अर्थमेटिक मीन को हम लोग लेते हैं, उसके मेजर्ड वैल्यू के मीन को लेते हैं, और ये मीन जो है वो आपको ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब होता है। तो उसको जो है हम लोग ट्रू वैल्यू में उसी क्वांटिटी को लेते हैं। नाउ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। आपको जितने भी मेजर्ड क्वांटिटी है, जितने भी मेजरमेंट है, उसके अर्थमेटिक मीन को हम लोग लेते हैं तो वो ट्रू वैल्यू के करीब होता है, या उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू लेते हैं। सो ये पांच मेजरमेंट है, यदि ए एन तक का मेजरमेंट है उसको एन से डिवाइड किए हैं तो 1/n आई टेंस टू 1, ये समेशन है आई टेंस टू 1 बराबर आई टेंस टू एन ए आई। नाउ द एब्सोल्यूट एरर, तो इस ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम घटाते हैं तो इसी का जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। नाउ द एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी measured and the individual measured value is called absolute error, or the difference between the true value and the individual measured value is called absolute error. The second is mean or final absolute error. The arithmetic mean of the positive magnitude of all the absolute error is called mean absolute error. The arithmetic mean of the positive, negative nahi leni hai, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के पॉजिटिव को, यानी कि एब्सोल्यूट एरर में हमको जो है पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, हम सबको मोड के अंदर में प्लेस करते हैं, और आप जानते हैं कि मोड में जान से निकलने के बाद जितने भी निगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब आपको जो है इसके सारे पॉजिटिव वैल्यू को और जितने मेजरमेंट है उससे भाग देते हैं तो हमको उसका जो है मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है। द थर्ड वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हुआ, तो द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से यदि हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वही आपको रिलेटिव एरर कहलाता है। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या हुआ, कि यदि जो है रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपको परसेंटेज एरर कहलाता है, यानी कि रिलेटिव एरर इंटू 100% इज इक्वल टू परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो है वो क्या है, रिलेटिव एरर इनटू 100% इज इक्वल टू परसेंटेज एरर। ओके, जैसे एक्सपेरिमेंट है, पांच हमने मेजरमेंट लिए हैं, 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter एंड 2.48 meter। इससे मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू लेंगे, तो ट्रू वैल्यू में सबको प्लस कर देंगे, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, और आपको पांच पार्ट है तो इसको पांच से डिवाइड करते हैं तो 12.41 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2.482, और ये आपको आ जाएगा 2.48, जिसको कि राउंडेड किए हैं दो प्लेस तक, तो ये आपको आया है 2.48। अब इस एब्सोल्यूट एरर में क्या था कि ट्रू वैल्यू में से जो है
आपको इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को घटाना था। ट्रू वैल्यू हमारे पास आया है 2.48 और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 एंड 2.48। तो इसमें से 2.48 में से पहले मेजर्ड वैल्यू को हम लोग घटाते हैं, 2.48 में से पहले मेजर्ड वैल्यू इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम लोग घटाते हैं तो ये डिफरेंस आता है 0.00 मीटर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रू वैल्यू एंड द सेकेंड मेजर्ड वैल्यू यानी 2.48 माइनस 2.46 ये आपको आएगा 0.02 मीटर। डेल एल थ्री ये तीसरा पार्ट है, 2.48 ट्रू वैल्यू माइनस 2.49 ये आपको आएगा माइनस 0.01 मीटर। डेल एल फोर ये आपको ट्रू वैल्यू है 2.48 माइनस 2.50 से इसको डिफरेंस करते हैं तो माइनस 0.02 मीटर। डेल फाइव है 2.48 माइनस 2.48 इक्वल टू 0.00। ये सब जो है ये आपको एब्सोल्यूट एरर है। अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसके जो है इसका सब पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं यानी कि हमने इसका जो है मॉड ले लिया है 0.00 मॉड प्लस 0.02 प्लस 0.01 मॉड में तो प्लस ही हो जाते हैं प्लस 0.02 प्लस 0.00 ऑल डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो आपको आया है 0.05/5 यानी 0.01 मीटर। इसके बाद निकालना है हम लोग को रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में जो है वो आपको होता है आप मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रेशियो होता है वही आपको रिलेटिव एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया है 0.01, इसको हमने डिवाइड किया है ट्रू वैल्यू से 2.48 से तो ये हम लोग को आया है रिलेटिव एरर। और यदि हम इसको जो है 100% में एक्सप्रेस करते हैं तो ये परसेंटेज एरर हुआ, तो रिलेटिव एरर था 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48 इनटू 100% बराबर ये परसेंटेज एरर जो हमको निकला है वो 0.40% है।